नमस्कार, काशी स्पेस वर्ल्ड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शशि कुमार शानवीर के साथ आप देख रहे हैं काशी वर्ल्ड न्यूज चैनल KWNC। तो चलिए देखते हैं क्या है रिपोर्ट। पूर्णिया से मनु कुमार के साथ प्रेस वार्ता में पप्पू यादव चुनाव जीतने के लिए किसी को भी दे सकते हैं धोखा। भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश कुमार, तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। और ये सारी चीज़ें करते हैं, वो प्रवृत्ति उनकी होगी, दूसरे की नहीं होगी। महागठबंधन के राजद से लगातार लोग निकल रहे हैं और कल भी पूर्णिया से धीरेन्द्र यादव सहित 100 लोग निकले हैं, तो इस चीज़ को लेकर क्या फिर क्या? देखिए, कुछ चीज़ें उनकी अंदरूनी हैं कि जिनको टिकट मिला नहीं मिला, उनसे क्या बातें हुई, क्या सम्मान की बातें हुई। लेकिन जहाँ तक सम्मान की बात करके देवेंद्र जी जो बोल रहे हैं, तो ये तो पहचानने में उन्होंने देर कर दिया। क्योंकि सही बात है कि RJD में या महागठबंधन में परिवार को अलावा किसी की चिंता नहीं की जाती है, किसी का सम्मान नहीं किया जाता है। ये चीज़ों की तो उनके संगठन में कमी है। इस कमी के कारण लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। और पुनः मैं दोहरा रहा हूँ कि दूसरे तीसरे की लड़ाई है, जहाँ जिसको लाभ नज़र आ रहा है वहाँ वो जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो पूरा संगठन स्वार्थ से भरा हुआ संगठन है, स्वयं के लाभ से जुड़ा हुआ संगठन है, इसलिए इस तरह की चीज़ें चलती रहेगी। धन्यवाद। पप्पू यादव जी ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हमें BJP वालों ने मदद कर दिया है, RSS वाले का सहयोग हमें है, तो इस संदर्भ को लेकर क्या कहेंगे सर? एक पत्रकार उनसे सवाल कर रहे हैं और ये बहुत वायरल हो रहा है। विगत कुछ समय से, मतलब कुछ महीनों से, मैंने दो राजनीतिक परिस्थितियों को देखा है। और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद के एजेंडा, जो सनातन धर्म की जो एजेंडा है, जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने निजी लाभ के लिए, ये मैंने विगत कई महीनों से मैंने देखा है। जब हमारा रामलला का प्रतिष्ठापना जब हो रहा था, प्रधानमंत्री जी जब उसको अयोध्या में, जो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों का सम्मान का जो विषय था, उसको लेकर के जब वो आगे बढ़ रहे थे, तो मैंने देखा था कि यही जनप्रतिनिधि पप्पू यादव उस वक्त कई चीज़ों को लेकर समाज के बीच में आए थे। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया था, जो संविधान लिखा गया है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा, उन्होंने कहा था कि इस पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बना दे। कुछ हमारे मीडिया कर्मी ने यह पूछने का प्रयास किया कि राम का अस्तित्व का बारे में भी उन्होंने नकार दिया। जब उन्होंने पूछा मीडिया ने, उसने पूछा कि क्या आप राम मंदिर में जाएंगे क्या, तो उन्होंने वहाँ भी इनकार किया। और मैं इधर देख रहा हूँ कि वो व्यक्ति आज के डेट में ये कहते हैं कि RSS के जो प्रमुख हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं, उसमें कईयों का फोन आया है। मुझे तो हंसी आती है, उनको किसी भी प्रमुख का नाम भी ठीक तरह से नहीं मालूम होगा और वो कहते हैं कि प्रमुख का फोन आया। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये दोनों एक दूसरे के अंग हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक ही विचारधारा के साथ चलते हैं और उसी पे हम लोग चलते हैं। और उनका ये कहना कि शीर्ष नेतृत्व का फोन आया है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ आपको इस चुनाव में मदद करेगी, ये मैं बिल्कुल खंडित करता हूँ और उनके पूरे बयान को झूठा बयान बताता हूँ, जो लोगों को भ्रमित करने का बयान दे रहे हैं। और एक उनका चरित्र का भी पता चलता है कि चुनाव जीतने के लिए वो किस तरीके से भोली भाली जो जनता है, जिस जनता को आप लोग के एक प्रेस मीडिया में मैंने ये भी देखा था कि जनता को वो मूर्ख बता रहे थे, वो ये बता करके ये साबित करने पर तुले हुए हैं। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से राजेश रंजन जी को ये कहता हूँ कि इस तरह का बयान दे करके आपको कोई फायदा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी या संघ से जुड़े हुए, जो उनके विचार से जुड़े हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या संघ जो है, उस विचार उसी जनता का है, उसी परिवार का है, वही 140 करोड़ जो यहाँ हिंदुस्तानी रहते हैं उन्हीं का है, ये कोई व्यक्ति का नहीं है। इसलिए उसको बोल करके भ्रमित करने का कोशिश नहीं करेंगे। जो है
वो हमारे संतोष कुशवाहा जी, उनको चयन कर लिया गया है। उनकी लड़ाई अपने ही गठबंधन में जिसमें वो जुड़े थे उसमें एक और दूसरे की लड़ाई है, दूसरी और तीसरे की लड़ाई है कि कौन दूसरा रहेगा और कौन तीसरा रहेगा। माने कहीं ना कहीं लग रहा है कि गुमराह कर रहा है जनता को। गुमराही कर नहीं रहे हैं, वो अपने चरित्र को भी दिखा रहे हैं कि उनकी शुरुआत झूठ से ही हुई थी और सब जगह झूठ बोल करके ही आने वाले समय में उनको बहुत बुरी तरीके से हार भी देखना पड़ा था और कई जगह को छोड़ करके भागना भी। कल सर राम जी को आदर्श बता रहे थे काफी, ये तो सोचना ही पड़ेगा। जुलूस में भी वो जो है घूमे हैं। मैं यही चीज बता रहा हूँ कि ये लोगों को, जनता को वो चीजों को दिखाइए कि ये अपने स्वार्थ के लिए, जो अपना उनका निजी स्वार्थ है कि चुनाव जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी धोखा दे सकते हैं, यही प्रवृत्ति है उनकी। उन्होंने जनता के बीच में जो कभी मंदिर मस्जिद में जाकर के मस्जिद में किसी और तरह का भाषा का प्रयोग करना, मंदिर में किसी और तरह का प्रयोग करना, एक खास दूरी तक जाना, खास दूरी के बाद कहीं और निकल जाना, ये चीज़ों का वो प्रयोग करके कोई बहुत ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। जनता उनको देख रही है, उनको पहचान रही है, स्वयं वो जो है बहुत सारी चीज़ों का जानकार मानते हैं, लेकिन उनकी बहुत बुरी तरीके से पूर्णिया की जनता जो है उनको नकारी। सर महागठबंधन की बताएं, इसको चलाना है नहीं चलाना आप देख लीजिए। अच्छा। जी जी, एक चूंकि चुनावी अभी समय है और चुनाव के समय में कई लोगों का स्टेटमेंट, सभी लोग अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, तो हमारे अन्य प्रवक्ता जो है, प्रवक्ता के अलावा हमारे राजेश रंजन जी भी जो है उनको प्रवक्ता के रूप में अभी मैंने आपके सामने ये मैं घोषित कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में ये स्टेटमेंट देने के स्थिति में है। जिला प्रवक्ता इनको बनाया गया है और आप लोग चाहें तो इनसे भी कभी भी हमें आप अपना सुझाव नीचे दिए गए लिंक पर दे सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं कोशी स्पेस न्यूज चैनल KWNC।